हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल ग्रो टैलेंट पर। हाँ जी, मेरा नाम है दीपक निषाद और आज मैं आपको फिर से ले चल रहा हूँ एक नए इंस्ट्रूमेंट और एक नए एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने के लिए। जी हाँ, एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज डेसिकेटर। तो दोस्तों, मैं आपको डेसिकेटर के बारे में बताता हूँ, सो फॉलो मी। दोस्तों देखो, ये है आपका डेसिकेटर। अब डेसिकेटर एक्चुअली होता क्या है, देखो अगर आपको मेनली बताऊँ इसका काम क्या होता है। ये अधिकतर जो हमारे सैंपल्स होते हैं ना, जैसे कि कोई भी हमारा ऐसा सैंपल्स है जिसमें कि मॉइस्चर है, उसमें से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए, उसे ड्राई फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। और हमारे कुछ ऐसे सैंपल्स होते हैं जो ड्राई फॉर्म में होते हैं और हम चाहते हैं कि उनमें मॉइस्चर ना लगे, तो डेसिकेटर को यूज़ करते हैं। देखो ये डेसिकेटर होता है, ठीक है। ये क्या क्लोज वेसल है एक तरीके से। इसके देखो दो चैम्बर हो जाते हैं, एक तो बड़ा चैम्बर एक छोटा चैम्बर। ये ग्लास के बने होते हैं दोनों के दोनों। ये कवर होता है, लिड भी बोल सकते हैं इसे हम। इसको पहले स्लोली रिमूव कर लो, ठीक है, केयरफुली, क्योंकि कांच का होता, ग्लास का होता, टूट ना जाए, ठीक है। अब दोस्तों देखो, अंदर से मैं आपको दिखाऊं तो ये आपकी परफोरेटेड डिस्क होती है, ठीक है। ये परफोरेटेड डिस्क होती है। देखो कुछ हमारे ड्राइंग एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं कि किसी भी सैंपल्स में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो उन ड्राइंग एजेंट को हम इस बड़े वाले चैम्बर के बॉटम पर रख देते हैं। जैसे कि ड्राइंग एजेंट आपके क्या हो गए, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड हो गया आपका, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, सिलिका जेल हो गई। ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, किसी भी कंपोनेंट्स में से। तो हम ड्राइंग एजेंट को कहाँ रखेंगे, बॉटम पर। देखो यहाँ बॉटम पर रख देंगे। बॉटम पर रखने के बाद में आपकी जो परफोरेटेड डिस्क है उसे आप ऊपर रख देंगे, उसके ड्राइंग एजेंट हमारे नीचे रहेंगे, इस ऊपर रख देंगे। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, कोई भी हमारा कंपोनेंट ऐसा है, कोई भी सब्सटेंस ऐसा है जिसमें कि मॉइस्चर है, या फिर हमारा कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जिसमें मॉइस्चर ना लगे, उसे हमें सेव करना है, तो उसे ऊपर रख देंगे। और क्या करेंगे, इसे केयरफुली क्लोज कर देंगे, बहुत ही केयरफुली। तो दोस्तों इसके बारे में भी एक बात कहूँ, इसे आप डायरेक्ट इस तरीके से क्लोज ना करें, ठीक है, इस तरीके से क्लोज करें, क्योंकि ये क्या है, एयर टाइट वेसल होता है, ठीक है। और एयर टाइट क्यों दोस्तों, ये जो होती है ना सील्ड पोजीशन आप देख रहे हो, यहाँ पर ऊपर वाले चैम्बर की और नीचे वाले चैम्बर के बीच में सील्ड पोजीशन है, वो किस वजह से, यहाँ पेट्रोलियम जेली यूज़ करते हैं, या फिर इसे ग्रीस प्रॉपर तरीके से ग्रीसिंग करते हैं इसकी, क्यों कि एयरटाइट कंडीशन बनी रहे, बाहर का एनवायरनमेंट अंदर ना जाए और अंदर का बाहर ना आए। मींस कि अंदर का एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए हमें बाहरी कोई भी गैस हुई, कुछ भी हुआ बाहर एनवायरनमेंट में, वो अंदर ना जाए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसे सील्ड करते हैं। किससे, पेट्रोलियम जेली हो गई आपकी, इन सब से इसे सील कर देते हैं, ठीक है। तो मेनली इसका यूज़ मैंने आपको बता दिया मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए। हम इसे क्या है कि हम और भी कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसमें एक एनरोबिक कंडीशन प्रोवाइड करा सकता हूँ आपको। जैसे हमारी कोई भी बैक्टीरिया हो गए, उन्हें हमें जो कि ऐसे होते हैं जो कि एनरोबिक कंडीशन में ही ग्रो करते हैं, तो उनके लिए हम इसमें एक विदाउट ऑक्सीजन वाला एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। देखो मैं आपको करके दिखाऊंगा। पहले क्या है, स्लोली इसे बहुत ही केयरफुली रिमूव कर लो स्लाइड करते हुए। अब जो आपकी परफोरेटेड डिस्क है ना, उसमें अपनी कैंडल को रख दो, ठीक है। कैंडल आपने रख दी और जो भी आपका कल्चर है, ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क है जिसमें आपका कल्चर है, उसको आप अपनी परफोरेटेड डिस्क पर रख दो, ठीक है। उसे आप अपनी परफोरेटेड डिस्क पर रख दोगे और क्या करोगे, मोमबत्ती को जला दोगे। जिस बैक्टीरिया को हमें एनरोबिक कंडीशन प्रोवाइड कर रही है, उसे आप उस कल्चर को यहाँ रख दो, ठीक है। बैक्टीरिया कल्चर है, इसको हमें एनरोबिक कंडीशन प्रोवाइड करनी है, केयरफुली इसे आप क्लोज कर दो, स्लाइड करते हुए क्लोज करो, ठीक है दोस्तों। और देखो दोस्तों, आप जानते हुए जब तक आग जलती है, जब तक कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, ठीक है, जब आपकी कैंडल बुझ जाए तो समझ लेना कि अंदर एनरोबिक कंडीशन प्रोवाइड हो चुकी है, ठीक है। तो हम वेट करेंगे कि कब आपकी कैंडल बुझ रही है। कुछ समय के बाद आपकी कैंडल बुझ जाएगी दोस्तों, और जैसे ही बुझ जाएगी तो देखो हमारा ये पूरा का पूरा एयर टाइट है, टाइटली ये क्लोज है, तो इसमें कोई भी ऑक्सीजन अंदर जा ही नहीं सकती है। तो अंदर कैसा एनवायरनमेंट बन जाएगा, एनरोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। देखो दोस्तों, अब क्या कि कैंडल आपका बुझना स्टार्ट हो चुकी है, मींस कि इसमें एनरोबिक कंडीशन स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब कर देना, पर सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर जरूर कर देना। ओके दोस्तों, बाय बाय।